ये 2020 का साल और हमारा भारतवर्ष जहां आज सड़कें वीरान सी हो गई हैं, हंसते खेलते स्कूली बच्चे सहमे हुए हैं, पार्कों में घूमता प्रेमी युगल उदास है, न मंदिरों की घंटियां बज रही, न ही भक्तों का जमावड़ा है, बस एक ही शोर है, कोरोना कोरोना कोरोना। सबकी जहन में एक बात है कि आखिर कब दिखेंगे सड़कों पर लोग, आखिर कब होगा स्कूल कॉलेज के बाहर दोस्तों की चाय पर चर्चा, आखिर कब रिक्शे वाले ठेले वाले दिखेंगे इन वीरान सड़कों पर, आखिर कब। हमारा प्यारा भारतवर्ष जहाँ लोग सामाजिक होने और साथ उठने बैठने की बात करते हैं, अपरिचित लोगों को परिचित बनाने की होड़ मची हुई है, परंतु आज कुछ महीनों से लोगों में डर का माहौल है। इस डर का कारण है पूरे दुनिया में पैर पसार रहे कोरोना वायरस की। प्लेग महामारी के बाद इस महामारी ने भी पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। इस कोरोना जैसी महामारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरा भारत ठहर सा गया है, सहम सा गया है। शायर बशीर बद्र ने लिखा है, कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये पंक्तियां भले ही अन्य संदर्भ में हो, फिलहाल कोरोना की दहशत के बीच बहुत सटीक साबित हो रही हैं। इस लॉकडाउन के हालात में लोग घरों में कैद हैं। बस कुछ हफ्तों की बात है दोस्तों, फिर वही नज़ारा होगा अपने हिंदुस्तान का। कुछ समय बिता लीजिए अपने परिवार के साथ, खंगाल डालिए अपने बचपन के उन हसीन पलों को और डूब जाइए उन यादों में। बैठ जाइए अपने दादी नानी के साथ और सीख लीजिए कुछ तजुर्बे उनसे भी। कुछ दिनों बाद फिर से होगा चहल पहल, बसें भरी होंगी खचाखच, दोस्तों में होंगे खुशी के आंसू, गांव में फिर से दिखेंगे मिट्टी से सने हुए बच्चे, फिर एक बार मैदान भरा होगा क्रिकेट प्रेमियों से, एक बार फिर डॉक्टर जिएंगे सुकून के पल अपने परिवार के साथ, और फिर से हमारा भारत कहलाएगा विश्व विजयी विश्व विजयी विश्व विजयी।